फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि जब एक नॉर्मल फिल्म रिलीज होती है और उन्हीं दिनों में कोई बड़े बैनर की मूवी भी थिएटर्स में आ जाए तो ज्यादा चांस होते हैं कि वो छोटे बैनर वाली मूवी फ्लॉप हो जाती है। लेकिन इंडियन सिनेमा ने एक ऐसी फिल्म भी दी है जिसके आगे पीछे बाहुबली 2 और पेरेंट्स ऑफ द कैरिबियन जैसे बड़े बैनर की 4 मूवी रिलीज हुई थी, फिर भी वो छोटे बैनर वाली मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और वो मूवी है इरफान खान की हिंदी मीडियम। 19 मई 2017 को जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो ऑलरेडी बाहुबली 2 का क्रेज बहुत ज्यादा था क्योंकि इस मूवी को रिलीज हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे और उस टाइम बाहुबली 2 थिएटर्स में काफी अच्छा कलेक्शन कर चुकी थी और हिंदी मीडियम के साथ हाफ गर्लफ्रेंड भी उसी दिन रिलीज हुई थी। और उसी के बाद 26 मई को सचिन आ बिलियन ड्रीम्स और पेरेंट्स ऑफ द कैरिबियन के 5th पार्ट जैसी मूवी थिएटर्स में आ चुकी थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी 14 करोड़ के छोटे बजट में बनी इस मूवी ने इंडिया में 100 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 322 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था।